विधायकों के खरीद फरोख्त की चर्चा चल रही है। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप में भी एक मुकदमा दर्ज है जहां पर जांच भी चल रही है। कई प्रकार की अटकलें लगाई गई, 20, 25, 30, 35 करोड़ रुपए में विधायकों की निष्ठा और विश्वास खरीद कर राजस्थान की 8 करोड़ जनता के जनमत से चुनी हुई कांग्रेस सरकार को अस्थिर करवाने और गिराने के षड्यंत्र की बात जग जाहिर हुई, सामने आई। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका विधायकों की खरीद फरोख्त में कई बार प्रश्न चिन्ह के दायरे में आई। दोनों तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी, भाजपा की तरफ से भी काफी वाद विवाद सामने आया और कई बार ऐसा लगता था कि ये सारी बातें कहीं इल्जामात के घेरे में ही सीमित होकर ना रह जाएं। परंतु कल शाम और आज तक अब जो टेप सामने आ गए हैं उनसे एक बात साफ है कि प्रथम दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने और विधायकों की निष्ठा को खरीदने का षड्यंत्र किया गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनमत का अपहरण और प्रजातंत्र के चीर हरण की कोशिश की जा रही है। राजस्थान सरकार गिराने का घिनौना षड्यंत्र अब बेनकाब हो गया है, उसकी परतें खुलने लगी हैं। अब यह साफ है कि चीन या कोरोना से लड़ने की बजाय भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार सत्ता लूटने का काम कर रही है और इसका परिप्रेक्ष्य है। साथियों, याद करिए कि कोरोना महामारी के बीचों बीच मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश में भी प्रजातंत्र का चीरहरण कर डाला था। पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, पर इसी आईटीसी ग्रैंड होटल मानेसर गुड़गावा से लेकर कर्नाटका तक कांग्रेस के विधायकों को हर कर ले जाकर कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिराने का षड्यंत्र किया जा रहा था। और जब 24 मार्च 2020 को जबरन कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिराई गई तो ही 24 मार्च की रात से लॉकडाउन लागू किया गया। मणिपुर, उत्तराखंड, अरुणाचल, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अब उसके बाद राजस्थान में भाजपा द्वारा सत्ता की हवस का खेल खेला जा रहा है। कोरोना केस 10 लाख पार कर चुके हैं। आर्थिक महामारी और महंगाई ने लोगों की जिंदगी दूभर कर दी है। चीन ने हमारी सर जमीन पर कब्जा कर रखा है, परंतु मोदी सरकार और भाजपा बजाय कोरोना, आर्थिक मंदी और चीन से लड़ने की बजाय सत्ता लूटने के षड्यंत्र में लगी है। पर उन्होंने इस बार गलत प्रांत को शायद चुनौती दे दी। उन्होंने 8 करोड़ राजस्थानियों के जज्बे को शायद समझा नहीं। दोस्तों, कल शाम जो दो सनसनीखेज, वह चौंकाने वाले ऑडियो टेप मीडिया के माध्यम से सामने आए हैं। इन टेप्स में तथाकथित तौर से भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी, श्री भंवरलाल शर्मा जी जो कांग्रेस के विधायक हैं, वे भाजपा नेता संजय जैन जी की तथाकथित बातचीत सामने आई है। इस तथाकथित बातचीत में पैसों की सौदेबाजी, विधायकों की निष्ठा खरीदने और राजस्थान की सरकार गिराने का षड्यंत्र सामने आया है। यह अपने आप में लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय है और वो टेप्स जो अब जग जाहिर हैं,
मीडिया पर चलाए जा रहे हैं उनकी कुछ लाइनें मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। और हमारे 5 प्रश्न हैं। ये ऑडियो टेप 1 है जिसका ट्रांसक्रिप्ट मैंने रिकॉर्ड किया है और इसके बीच में 7 शब्दों में लिखा है, श्री भंवरलाल शर्मा विधायक और भाजपा नेता संजय जैन की तथाकथित बातचीत। हां साहब बात करवाइए, भंवरलाल जी हेलो। और फिर आगे वो कहते हैं, संजय जैन हां वो तो ठीक है पर वो एक बार संख्या बल देख लेना, हमने आज ही बुक पहुंची है आप। भंवरलाल सरकार तो रहनी कोनी, बर्खास्त करनी पड़ेगी। संजय जैन तुरंत है जे यानी जो की व्यवस्था मैं आपने बताई है मेरे जिम्मे है आपकी और गिरधारी की। गिरधारी जी सीपीएम के विधायक का नाम है जैसा आप सब जानते हैं। व्यवस्था मैंने बताई आपने बताई है मेरे जिम्मे है आपकी और गिरधारी की। भंवरलाल ठीक है, संजय जैन और मैंने साहब को मैं कह दियो कि सचिन जी की तरफ से वाल लिस्ट में कोनी आवे, बात बढ़िया रहेगी, आपकी बात गोपनीय रहेगी, जिया चावे मैं करवा रहा हूं। भंवरलाल अमाउंट की बात हो गई है ना। संजय जैन हां ताने कल कही थी वह बात एकदम खरी है। अगर ये आदान प्रदान नहीं साथियों तो फिर ये क्या है। और आगे जो कहा जाता है वो उससे भी अजीबो गरीब है। जो ऑडियो 2 है मैं उसका एक हिस्सा आपको पढ़कर बताना चाहता हूं। संजय जैन हां तो उस परिस्थिति में तुम्हारा मैंने साहब को बता दिया है कि 2 जने हैं जो बहुत हेजिटेशन कर रहे हैं, उनकी डायरेक्ट आपसे बात है, वो जो डिटेल देंगे वहां वो काम है वो तुरंत प्रभाव से होना चाहिए। वो बोले संजय भाई आपने बता दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत काम होगा। भंवरलाल ये है। और उसके बाद जो कहा गया कॉल, भंवरलाल अगर दिन में संभव हो तो गजेंद्र जी से बात और करवा देना। संजय जैन बोलो तो अभी करवा दूं, भंवरलाल हां करवा दो। और उसके बाद फिर कॉल पैच की गई, ये महत्वपूर्ण है। गजेंद्र सिंह शेखावत हेलो। भंवरलाल हां जी, गजेंद्र सिंह अर्ज कर रहा हूं महाराज। भंवरलाल ओहो मैं उम्र में बड़ा हूं तो आशीर्वाद दे दूं, विजयी भव। गजेंद्र बिल्कुल साहब आपके आशीर्वाद से विजयी होते हैं। भंवरलाल सारा मामला 1-2 दिन में संख्या पूरी हो जाएगी। गजेंद्र बस एक बार संख्या पूरी हो जाए फिर हम यहां से भेज देंगे। अब तो क्या है, कल मैंने भी संजय जी से बात की, अपने को 8-10 दिन तो इधर ही रहना है, राज तो 15 दिन तक बाड़े में तो रह नहीं सकता, जैसे ही लोगों को छोड़ देंगे लोग इधर आ जाएंगे। भंवरलाल ये बात मैं भी समझता हूं कि होटल से राज चाले कोनी। गजेंद्र हां, भंवरलाल और संख्या बल है नहीं। गजेंद्र हां संख्या बल है कोनी। भंवरलाल बाकी वो आपकी बात संजय से हो गई होगी आपको, आई रिपीट, बाकी वो आपकी बात संजय से हो गई होगी आपको। गजेंद्र हूं। भंवरलाल मेरा लिस्ट में नाम कोनी, गजेंद्र हूं। भंवरलाल मैंने उसको कह दिया है। गजेंद्र हां वो मैं कर लूंगा। दोस्तों ये तथाकथित बातचीत प्रथम दृष्टि से ये दर्शाती है कि वो लोग जो गुड़गावा के होटल में भारतीय जनता पार्टी की मेहमान नवाजी और सुरक्षा चक्र में बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक केंद्रीय मंत्री से तथाकथित तरीके से बातचीत कर पैसे का आदान प्रदान हो रहा है और सरकार गिराने की साजिश भी, इसलिए हमारी मांग है कि 1, प्रथम दृष्टि से राजस्थान की कांग्रेस सरकार गिराने की साजिश में शामिल
केंद्र सरकार के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स एसओजी द्वारा एफआईआर दर्ज की जाए, पूरी जांच हो और अगर पद का दुरुपयोग कर जांच प्रभावित करने का अंदेशा हो, जैसा प्रथम दृष्टि से प्रतीत होता है, तो वारंट लेकर श्री गजेंद्र शेखावत की फौरन गिरफ्तारी की जाए। नंबर दो, श्री भंवरलाल शर्मा विधायक व श्री संजय जैन भाजपा नेता के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर बिंदु एक की तर्ज पर कार्यवाही हो। नंबर तीन, पैसे का आदान प्रदान किस प्रकार से हो रहा है वे, यह सारा काला धन किसने मुहैया करवाया, कहां से आया, हवाला से ट्रांसफर कैसे हुआ और किस किस को दिया गया, इसकी संपूर्ण जांच हो। नंबर तीन। नंबर चार, जांच में यह भी खुलासा हो कि केंद्र सरकार के कौन से प्रभावशाली पदों पर बैठे व्यक्ति, अधिकारी या एजेंसियां राजस्थान की कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश कर रहे हैं। नंबर पांच, यह भी जांच हो कि इस ऑडियो में नामित व्यक्तियों के अलावा क्या किसी और व्यक्ति या विधायक द्वारा सरकार गिराने या निष्ठा बदलने के एवज में पैसों का लेन देन हुआ है। श्री सचिन पायलट भी आगे आकर विधायकों की सूची भाजपा को देने बारे इस तथा कथित इल्जाम के बारे अपनी स्थिति सार्वजनिक तौर से स्पष्ट करें। इसी टेप में मेरे एक मित्र चेतन डूडी जी की, विधायक जी की भी का भी नाम भंवरलाल शर्मा जी द्वारा लिया गया है। चेतन डूडी जी आपके समक्ष बैठे हैं, ये आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इन्हें प्रलोभन देने की कोशिश की गई पर इन्होंने साफ साफ नकार दिया गया। इन सारे हालात के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय भी लिया है कि श्री भंवरलाल शर्मा कांग्रेस विधायक को इन टेप्स की सच्चाई की वेरिफिकेशन होने तक पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। श्री विश्वेंद्र सिंह, जिनके बारे में कुछ और सूचना शायद आएगी, उन्हें भी कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है और दोनों को शो कॉज नोटिस दिया गया है कि कांग्रेस सरकार गिराने के इस षड्यंत्र के अंदर शामिल होने के बारे वो अपना स्पष्टीकरण दें। और अब एक बार मैं चेतन जी से कहूंगा कि वो आप अपनी बात संक्षिप्त में रखेंगे। सर, विश्वेंद्र जी की भी आवाज है इसमें, ऑडियो में? इसमें नहीं है, पर शायद कुछ कहीं और हो। अभी एक बार इनकी बात सुनिए, फिर सवाल लेंगे। देखिए, आपको मोटा मोट श्रीमान सुरजेवाला जी ने सारी बात आपके समक्ष रख दी। मेरा सिर्फ आप लोगों को ये जानकारी देना है कि तथाकथित जो ये ऑडियो आया भंवरलाल जी शर्मा का और इसमें मेरा नाम आया है, तो मैं आपके सामने सिर्फ ये बात रख रहा हूँ कि मुझे प्रलोभन देने की कोशिश की गई थी, जिसका जुड़ाव कहीं ना कहीं इस ऑडियो टेप से है, लेकिन मैंने वो प्रलोभन देने से इनकार कर दिया। मेरे परिवार की पृष्ठभूमि, मेरा खुद स्वयं का कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठा, ये मेरे लिए सर्वोपरि है। और आगे जो कुछ भी है या जो भी जहां एजेंसियां चूंकि जांच कर रही है, मैं उनके समक्ष जाके अपनी बात रखना चाहूंगा। मैं सिर्फ ये आपके सामने स्पष्ट करना चाहता था कि ये जो ऑडियो टेप आया है, इसमें जो प्रलोभन की बात की गई थी, उसमें जो नाम मेरा आया है, उसमें मुझे प्रलोभन देने की किसी ना किसी स्तर पे कोशिश की गई थी। धन्यवाद। अध्यक्ष, अभी सवाल लेंगे। अध्यक्ष, एक बार अध्यक्ष जी कुछ कहें और फिर आपके सवाल लेंगे। महेश जोशी जी भी यहाँ हैं। मैं सबसे पहले, मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की हमारी अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी का, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी का, अविनाश पांडे जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय सुरजेवाला जी का,
तमाम नेताओं का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। मैं इस मौके पर मेरे मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली और जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें हमने राजस्थान की विधानसभा में जो आवाज़ राजस्थान के जनता की ओर से उठाई उसको गांव ढाणी में पहुंचाने में हमारी सबकी ईमानदारी से मदद की, इसके लिए भी मैं इस मौके पर पहली बार बोल रहा हूं तो मीडिया के बंधुओं का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करता। आदरणीय सुरजेवाला जी ने बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में ये बता दिया है कि जिस प्रकार से चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए जो षड्यंत्र, सत्ता के लालची लोग, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कर रहे थे वो निश्चित रूप से जनता के सामने आ गया है। और जो रहा बचा खुचा है वो मैं समझता हूँ जो पुलिस केस है उसके बाद में सामने आ जाएगा। गजेंद्र सिंह जी ने कल एक ट्वीट करके, मैं प्रदेश अध्यक्ष बना तो मुझे ये कहा था कि महाराणा प्रताप की महानता और स्वाभिमान, और हम देश महान मानते हैं, आप परिवार को महान मानते हो। मैं उसके ऊपर अपनी बात कहना चाहता हूं कि हाँ, मैं उस परिवार को महान मानता हूं जिसने इस देश की एकता और अखंडता के लिए इंदिरा जी शहीद हो गई, राजीव जी शहीद हो गए, उस परिवार को महान मानता हूं, उस पार्टी को महान मानता हूं जिस कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद किया। लेकिन मैं गजेंद्र सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप ने उनकी महानता, उनका शौर्य, उनकी वीरता, उनका स्वाभिमान के पाठ में कहीं ये बात तो नहीं थी कि वो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब करके इस प्रकार का घिनौना करते करके लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार को उखाड़ने के लिए करेंगे। गजेंद्र सिंह जी को और राजस्थान की जनता ने मोदी जी की सरकार को इसलिए भेजा था कि राजस्थान में जो पानी की कमी है, प्यासे लोगों की आप प्यास बुझाइए, पानी दीजिए, लेकिन वो पानी की गंगा नहीं ला करके भ्रष्टाचार की गंगा ला करके चुनी हुई सरकार को और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। उनमें अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता बची है तो वो इस्तीफा दें और तुरंत प्रभाव से मोदी जी महाराष्ट्र में एक लांत्रिक लोकतांत्रिक तरीके से वे चुनी सरकार मनोनीत सरकार को एक मिनट में ट्वीट करते हैं। आज इतने दिन बाद में भी प्रधानमंत्री जी किसी तरह का कोई बयान नहीं दे रहे हैं और कल के बाद में तुरंत प्रभाव से गजेंद्र जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अगर नैतिकता की बात करती है, वो स्वाभिमान की बात करती है, वो देश महान की बात करती है तो उसको तुरंत प्रभाव से उनको बर्खास्त करना चाहिए और पुलिस को उनको कहना चाहिए, वो पुलिस में जाकर के अपने बयान। तो मैं समझता हूं सारी बातें स्पष्ट हो गई हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में है, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में रहेगी और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की वो जनता है जो कभी भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करती है। वो अशोक गहलोत जी और हमारी यूपीए सरकार में जिस प्रकार से लोक कल्याणकारी योजनाएं आई थी और जो काम हुए थे उसको पहचान चुकी है और पुनः 2023 में कांग्रेस की सरकार राजस्थान की जनता बनाएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप सबका धन्यवाद। कोई सवाल आप लेना चाहें? विल गो वन बाय वन, थोड़ा सा सबर। विश्वेन सिंह और भंवरलाल शर्मा जी को आपने एक्सपेल किया है, सचिन पायलट जी को एक्सपेल नहीं किया है, प्राथमिक सदस्यता निलंबित किया है, प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया है। सचिन पायलट जी को जिसका नाम सामने आया मित्र, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, बाकी जांच चल रही है। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं होगी। आदरणीय महेश जोशी जी ने इस सारी बात का संज्ञान लेकर बाकायदा एसओजी में एक प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए कल ही दरख्वास्त भी दे दी है। धन्यवाद। ये क्या पता चल पाया है कि बातचीत कितने दिन पुरानी है, कुछ आसपास ही कोई डेट 10 दिन पुरानी है, 15 दिन पुरानी? आदरणीय मित्र, पहली बात तो अब एसओजी इस बातचीत की जांच करेगी और इसकी वैधता की जांच करेगी, क्या षड्यंत्र था इसकी जांच करेगी, इसकी बाकायदा जांच भी करेगी, इसकी वैधता की भी जांच होगी,
जिन लोगों के इसमें नाम है उनके बयान भी दर्ज होंगे उनके खिलाफ। मेरा ये मानना है अब एसओजी को अब क्या देरी है, अब गजेंद्र शेखावत जी पर, भंवरलाल शर्मा जी पर, इन ये जो जैन साहब इसमें तथाकथित बातचीत में, इन पर एफआईआर दर्ज करना चाहिए, जरूरत हो तो गिरफ्तारी करनी चाहिए। क्योंकि आप कितने भी बड़े हों, इस देश का संविधान और कानून आपसे बड़ा है। जब हम संविधान की शपथ लेते हैं तो संविधान के संरक्षण और सुरक्षा की शपथ लेते हैं। चुनी हुई सरकारों को षड्यंत्रकारी तरीकों से विधायकों की खरीद फरोख्त से गिराने की नहीं। जो Well, the Congress there demanding the arrest of Union Minister Gajender Singh Shekhawat, also demanding a police investigation in the aftermath of the alleged evidence that has now come forth in the form of audio tapes in a bid to topple the Rajasthan government. On that note, we'll slip into a quick break. More news on the other side. Stay tuned.